3 मिनट और डे आज 13 सुबह का टाइम है, अभी सूर्यो नहीं हुआ। आज है प्लान हरिद्वार जाने का भैया। चुन्नी हो गई पुरानी गाड़ी पे, यहाँ पे लगाएंगे नई चुन्नी यार, बड़ी अजीब सी लग रही है वो। ये रहा था देवी मंदिर गेट, ये मैंने पिछले टाइम ऋषिकेश में निकाल दी थी और भाई ने फिर से मैंने निकाली, भाई ने दोबारा बांध दी, अभी नहीं बांधते इस पे। ये हो गई जी नई चुन्नी बंध गई, अब तो चलते हैं भैया। जय माँ धारी देवी। भाई जी की हो रही तबीयत खराब पीछे, ये देखो उल्टी, मोशन सिकनेस, क्या करें साहब, और रेस्ट कर रहे हैं। और जब ये देखो बन यहाँ ये दे रहे हैं यार, चाय दे रहे हैं भाई जी, चाय ले दो यार उनसे। भाई ये लिया प्रसाद, इधर बट रहा पीछे ये भाई नहीं खा रहे यार, इनको ना मोशन सिकनेस हो रहा है। ये सिचुएशन है वीकेंड पे, ऐसे आते हैं लोग कच्चे सुखाने, इतना ट्रैफिक हो जाता है, इतना ट्रैफिक हो जाता है, हरियाणा के सारे कच्चे यहाँ सूख रहे हैं, इसीलिए सुबह अंधेरे में चलना होता है हर बार। इतना ट्रैफिक है पूछो मत जी, 5 बजे निकलने के बाद भी ये हालात हैं। 10:30 हो गया टाइम, 10:33, आज का स्टे या तो देहरादून होगा या हरिद्वार होगा। भाई साहब जाएंगे पंजाब, क्या है बठिंडा जाएंगे भाई साहब, जो पीछे लेटे हुए हैं। ये है जी थार का जलवा, अब यू टर्न मिल नहीं रहा तो लोग ऐसे ऐसे यू टर्न मार रहे, देखो ये देखो, पर अपनी तो है नहीं थार यार, कैसे चढ़ेगी अपने को आगे ही जाना पड़ेगा यू टर्न लेने। इधर आए थे नदी में जाने के लिए, तो नदी में जाने का रास्ता तो है नहीं तो इधर से चलते हैं वापस, ऑफ रोड है टोटल। और फर्स्ट चट्टी जाएंगे, जब यात्रा होती थी ना पहले पुराने ज़माने में, जब रोड नहीं हुआ करती थी, तो शायद ये मोतीचूर के पास में पहली चट्टी है जहाँ लोग विश्राम किया करते थे। ये है जी प्रथम चट्टी, इधर लिखा हुआ चारों धाम की प्रथम चट्टी, तो ये बाबा काली कमली पंचायत क्षेत्र, ये है जी रायवाला के पास में, ये हाईवे। ये पहुँच गए हम रेलवे स्टेशन, टाइम हो रहा है शाम का 5:48, 8 बजे की ट्रेन है भाई जी, और भाई जाएंगे बठिंडा। ठीक है भैया, चलो फिर चिराग भैया होती है मुलाकात फिर आपसे अक्टूबर के मंथ में। चिराग भाई जाते हो उधर और हम जाते हैं इधर, हम चलेंगे भैया देहरादून आज, हरिद्वार का प्लान हो गया कैंसिल। हरिद्वार वाले भाई साहब के यहाँ जो है भाई साहब की मैसेज आ गई, तो वहाँ का प्लान हो गया कैंसिल। अब करेंगे थोड़ा सा गुरुदेव ड्राइव, क्योंकि यार ड्राइव कर करके पागल हो जाता आदमी, एक तो ट्रैफिक हो रहा बहुत ज़्यादा और गर्मी इतनी हो रही है। केदारनाथ के तो वहाँ सर्दी से ख़राब हो गई थी, यहाँ तो यार गर्मी से ख़राब हो रही है, घर में सही है मौसम अभी रहने लायक है, ना सर्दी ना गर्मी, बिना पंखे के आराम से रह सकता आदमी।